भारतीय जूनियर पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम एक निशानेबाज धनुष श्रीकांत को पोशाक की मोटाई के कारण प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित किए जाने के कारण कोरिया के चांगबुन में चल रही एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और जूनियर रिकॉर्ड बनाने से चूक गई। टीम ने हासिल किया था पहला स्थान। उमा महेश मद्दिनेनी, धनुष और अभिनव साव की भारतीय टीम ने 628.5, 627.9 और 625.6 का स्कोर कर कुल 1882 अंक हासिल किए, जिससे उसका स्वर्ण पदक जीतना और एशियाई जूनियर रिकॉर्ड बनाना तय था, लेकिन एक निशानेबाज को अयोग्य घोषित किए जाने के कारण भारत को पदक से वंचित होना पड़ा। धनुष प्रतियोगिता में जो पैंट पहन रहा था उसकी मोटाई 2.9 थी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF के नियमों के अनुसार ये 3.0 से कम नहीं होनी चाहिए। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर राइफल तीन पोजीशन में मोटी जैकेट और पैंट पहनना अनिवार्य होता है। भारत के तीनों निशानेबाज ने 8 खिलाड़ियों के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन धनुष को अयोग्य घोषित कर दिया गया और उनका क्वालिफिकेशन को हटा दिया गया। धनुष ने क्वालिफिकेशन में 627.9 स्कोर बनाया था और वह तीसरे स्थान पर रहे थे। ISSF नियमों का उल्लंघन। उनके अयोग्य घोषित किए जाने से पहले 9वें नंबर पर रहे एक अन्य भारतीय प्रथम बडाना को फाइनल में जगह मिल गई। भारतीय टीम के साथ गए राइफल कोच दीपक दुबे ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम एशियाई जूनियर रिकॉर्ड के साथ टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। रेंज पर उपस्थित जूरी ने क्वालिफिकेशन के बाद पैंट का निरीक्षण किया और धनुष की पैंट को ISSF के नियमों के तहत नहीं पाया।